प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र में 5 यूनिट है, जिसमें पहली और दूसरी 2 यूनिट व्याख्या और कवियों के जीवन परिचय के बारे में है, जिसमें पहली यूनिट में अपने निर्धारित कवि हैं केशवदास, कविवर बिहारी, घनानंद भूषण और सूर्यमल मिश्रण। इसमें से आज हम कविवर बिहारी के बारे में अध्ययन करेंगे। बिहारी नाम बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा आपने। ये रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बिहारी जी का जन्म संवत 1652 में और अगर इसे हम ईस्वी सन में बदलें तो 1595 में हुआ था, क्योंकि संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। संवत में से 57 माइनस करने पर घटाने पर ईस्वी सन प्राप्त होते हैं। तो बिहारी का जन्म संवत 1652 में अर्थात 1595 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश था। इनके पिता का नाम केशव राय था और इन्होंने सुप्रसिद्ध कवि केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की और आगरा में इन्होंने उर्दू फारसी भाषा सीखी। इनके गुरु नरहरिदास थे। राधा कृष्ण की भक्ति की दीक्षा इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से ग्रहण की। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से बिहारी जी का किस संप्रदाय से संबंध है, निम्बार्क, सखी, हरिदासी, वल्लभ संप्रदाय इत्यादि ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें सही आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय। बिहारी जी का संबंध है निम्बार्क संप्रदाय से। ये शहजादा खुर्रम के कहने पर दिल्ली आए और इसके बाद कुछ समय तक यहाँ रहे और बाद में ये जयपुर चले गए और वहाँ आमेर के राजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वारा इनकी वार्षिक वृद्धि बांधी गई और ये वहीं रहने लगे। कहते हैं, ऐसी किंवदंती है कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह है ये अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में उन्मुक्त थे और सारा राजकार्य छोड़कर अपने अंतःपुर में ही रहते थे। तो जब वहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने बिहारी जी को इस स्थिति का बताया कि राजा है ये राजकार्य भूल गए हैं और अपने नवोढ़ा रानी के प्रेम में उन्मुक्त है। तब बिहारी ने एक दोहा लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो भिंध्यो, आगे कौन हवाल। कि हे राजा, कि इस कली में तो अभी पराग नहीं है और मीठा मधु भी नहीं है, फिर भी तुम इसके प्रेम में उन्मुक्त हो और अभी तक ये पूर्ण विकसित, ये कली है ये पूर्ण विकसित भी नहीं हुई है। हे अली, हे भंवरे, तू अभी कली से ही बंध गया, जब ये पूर्ण फूल के रूप में विकसित होगी तो तेरा क्या हाल होगा। तो कहते हैं कि इस दोहे का असर राजा जय सिंह पर बहुत अच्छा हुआ और वे उस सीमा से बाहर निकलकर अपने राज कार्य में पुनः निमग्न हो गए। उसके बाद राजा जय सिंह ने कवि बिहारी से इसी प्रकार के अन्य दोहे लिखने के लिए कहा, तो कवि बिहारी ने 713 दोहे लिखे
और उसे नाम दिया गया बिहारी सतसई। सतसई मतलब 700 दोहों का संग्रह, वास्तव में वे 713 दोहे हैं और उसे नाम दिया गया बिहारी सतसई। और इनका निधन हुआ संवत 1720 अर्थात सन 1663 ईस्वी में। और अभी अपने जैसे की बात की कि इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई है ये 713 दोहे युक्त ब्रज भाषा का मुक्तक काव्य है। यानी बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। और मुक्तक का क्या अर्थ होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुक्त। इसमें एक दोहा अपने आगे पीछे के दोहे से मुक्त होता है, यानी इसमें कोई कथाक्रम नहीं होता। कहीं से भी कोई भी दोहा उठा ले तो हम उसका अर्थ आसानी से समझ सकते हैं, उसके आगे या पीछे वाले दोहे के को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है मुक्तक। हिंदी साहित्य में दो प्रकार की रचनाएं मुख्य रूप से मानी गई है, प्रबंधक और मुक्तक। प्रबंध मतलब जिसमें कथा का एक क्रम रहता है, जैसे रामायण की कथा, महाभारत की कथा। अगर हम उनके किसी दोहे को या पद्य को उठाते हैं तो हमें शुरू से पढ़ना पड़ता है। अगर हमने बीच में से उठा लिया तो हमें उसमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कथा का क्रम रहता है। लेकिन मुक्तक वो काव्य का रूप है जिसमें कहीं से भी दोहा उठा लो, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, उसमें कथा का निश्चित क्रम नहीं होता। प्रत्येक दोहा अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो बिहारी सतसई है, इसको हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, नीति विषयक, भक्ति विषयक, भक्ति या अध्यात्म विषयक और श्रृंगार परक। यानी इसमें जो 713 दोहे हैं वो तीन प्रकार के हैं। पहले तो हैं नीति के दोहे, जिसमें हमें नीति का ज्ञान होता है, जैसे नल की अरु नल नीर की, नल की अरु नर नीर की गति एक कर जोई, जेतो नीचो वह चलेर तेतो ऊंचो होई। ये नीति का दोहा है। भक्ति का तो बिहारी जी निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। ये राधा और कृष्ण की भक्ति के दोहे इनके मिलते हैं। जैसे कि ये जो बिहारी सतसई है, इसका मंगलाचरण का दोहा है, ये राधा को समर्पित है। और तीसरे हैं श्रृंगार परक। तो बिहारी जी ने इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों तरह के दोहे लिखे हैं। लेकिन बिहारी सतसई की प्रमुख सामग्री है वो श्रृंगार प्रधान है। और इनकी भाषा ये साहित्यिक ब्रज भाषा है। और प्रमुख अलंकार है अनुप्रास और यमक अलंकार है। ये प्रमुख है यमक और अनुप्रास अलंकार। प्रमुख छंद है दोहा, और कहीं इसमें सोरठा भी मिलता है। दोहा जो कि अर्धमात्रिक छंद है, जिसमें 13-11 की मात्राएं होती है, और सोरठा है वो दोहे का उल्टा होता है, जिसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। विषय के अनुसार बिहारी की शैली तीन प्रकार की है, माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, श्रृंगार के दोहों में प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, भक्ति तथा नीति के दोहों में और चमत्कारपूर्ण शैली। ये है दर्शन, ज्योतिष, गणित इत्यादि विषयक दोहों में। तो ये था बिहारी के बारे में सामान्य परिचय। अब हम आज बिहारी जो सतसई है, इसकी बहुत सारे विद्वानों के द्वारा व्याख्याएं और टीकाएं लिखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक टीकाएं हैं वो बिहारी सतसई पर ही लिखी गई है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध विद्वान हुए, उन्होंने
बिहारी रत्नाकर नाम से इनकी टीका लिखी और उसको संपादित किया, तो हमारे सिलेबस में है ये इन्हीं विद्वान की जो रचना है वो है, जिसे बिहारी रत्नाकर कहा गया है। तो बिहारी रत्नाकर के संपादक कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो अब हम बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी सत्संग की शुरुआत करेंगे। तो कवि बिहारी का प्रथम दोहा है, जो बिहारी सत्सई कहते हैं अपने जिसको, उसका प्रथम दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जान तन की झाई भरत श्याम हरित दुति होय। तो कवि बिहारी ने अपनी सत्सई का प्रारंभ इसी दोहे से किया है। वो राधा को अपनी आराध्य देवी मानते हैं और कहते हैं कि मेरी भव बाधा, भव बाधा मने संसार की बाधा, हरो मने हरण करो, दूर करो, कि हे राधा तुम मेरी संसार की बाधा या कष्टों को दूर करो, जान तन की छाई परत श्याम हरित दुति होए। तो कविवर बिहारी राधा से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे चतुर राधा जी, मेरे संसारिक कष्टों का निवारण करो, जिनके शरीर की तन मन शरीर झाई मन प्रतिबिंब या छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण श्याम मन भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति हरे रंग की हो जाती है। तो ये इनका बहुत प्रसिद्ध दोहा है और इस दोहे के तीन तरह के अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है कि हे चतुर राधिका, पहली लाइन का अर्थ तो वही रहता है, आप मेरे संसार की बाधाओं को दूर करें, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से ही श्याम है वो हरे हो जाते हैं, या हरे होने का अर्थ है प्रसन्न हो जाना, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप मेरे संसार की वो बाधाएं हैं वो दूर करें। दूसरा अर्थ है कि हे राधा नागरी, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, जिनको ध्यान मात्र करने से ही संसार के समस्त दुख और पाप पुण्य में बदल जाते हैं। तो यहाँ श्याम का अर्थ है दुख या पाप और हरित का अर्थ है पुण्य। तो ये सूचक शब्द है, प्रतीकार्थ रूप में इनको लिया गया है। तीसरा है, ये रंगों के प्रभाव से हैं कि सुनहरे या पीले कलर में काला रंग मिलाने पर हरा रंग बन जाता है। तो राधा है वो गौरवर्ण की, या अपने उसको सुनहरा रंग या पीला रंग कह सकते हैं, और श्री कृष्ण का रंग है वो श्याम रंग है, काला रंग है। तो राधा की परछाई श्याम पर पड़ने से, यानी सुनहरे रंग का श्याम या काले रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है। इस प्रकार राधा की शारीरिक कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, या हरा भरा होना प्रसन्नता का सूचक है। तो इसलिए वे राधा जी मेरी बाधाओं को भी दूर करें। तो ये अपना मंगलाचरण का प्रथम दोहा है, बाकी दोहे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। एक विशेष बात है
कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सह प्रसंग व्याख्या आती है। तो सह प्रसंग व्याख्या में अपने सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग, उसके बाद में व्याख्या और उसके बाद में विशेष। तो प्रसंग में अपने को लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश बिहारी रत्नाकर से उद्धृत है, जिसे कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संपादित किया है, और इस ग्रंथ में रचना के प्रारंभ में कवि बिहारी ने मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना करते हुए राधिका के स्वरूप का वर्णन किया है। फिर अपने इसकी तीनों जो अर्थ निकलते हैं उसकी व्याख्या करेंगे तीन पॉइंट देकर, कि इस दोहे के निम्न प्रकार से तीन अर्थ निकलते हैं। और उसके बाद विशेष पॉइंट बनता है। विशेष में हम तीन या चार बिंदु लिख देते हैं, एक तो इसकी भाषा के बारे में कि प्रस्तुत पद्यांश की भाषा है वो ब्रज भाषा है, दूसरा इसमें जो भी अलंकार और छंद आए हैं उनके बारे में कि इसमें दोहे छंद का प्रयोग किया गया है, और इसमें अनुप्रास यमक जो अलंकार आए हैं उनके बारे में बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। यमक जहाँ शब्द एक से अधिक बार आता है उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे यहाँ पर श्याम हरित, तो इन शब्दों के तीन अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, इस पूरे दोहे में ही यमक अलंकार है। और तीसरी बात कि इसमें इस दोहे में कवि बिहारी है वो राधा की उपासना कर रहे हैं, तो ये बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है, इसी कारण इन्होंने सर्वप्रथम राधा की उपासना की है। और इनके अलावा आप इसकी शैली पर भी लिख सकते हो कि इसकी मधुर शैली है, सरल भाषा है, ठीक है। बाकी के दोहे हैं हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।